गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ दीपाली, एंजल लाइफ टेल्स में आपका स्वागत है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और ऐसे ही आप मुझे यूट्यूब चैनल पर प्यार करिए, जो हमारी फैमिली है वो मुझे ब्लेसिंग करिए ऐसे ही, कि मेरा जो चैनल है वो बहुत ग्रोथ हो जाए और आपको मैं अच्छी अच्छी रेसिपी जो है वो दिखा सकूँ। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग आज बनाएंगे ज्वार का थाली पीठ, यानी ज्वारी का थाली पीठ ही महाराष्ट्रीयन रेसिपी है। ये बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो मैं आपको बताती हूँ हमें रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। पहले हमें चाहिए कि ये है ज्वार का आटा, ये है धनिया, थोड़ा मैंने कट करके लिया है। उसके बाद ये है प्याज, दो बारीक कटे हुए हैं। उसके बाद बेसन चाहिए हमको 2 चम्मच, रिफाइंड ऑयल कौन सा भी ले सकते हैं आप, जिसमें स्मेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। देन हमें चाहिए इसमें गरम मसाला, उसके बाद लाल तिल का पाउडर, उसके बाद अजवाइन, सफ़ेद तिल, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमको लगेंगे। तो हमें क्या करना है, हम लोग थाली पीठ का आटा जो है वो रेडी कर लेते हैं। चलिए, तो चलिए गाइस, हम क्या करेंगे अभी, हमें यहाँ पे लेना है, और पहले हम बाजरे का आटा ले लेंगे इसमें, ओके। जितना भी आपको क्वांटिटी में बनाना है थाली पीठ, उसके हिसाब से ज्वार का आटा ले लिया। उसके बाद हमें इसमें डालना है ये बेसन का आटा, 2 चम्मच ही लेना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है प्याज, प्याज आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना डाल सकते हैं आप। प्याज मुझे भर भर के चाहिए, इसके लिए मैंने 2 अच्छे से कट करके लिए थे वही डाले हैं। उसके बाद हमें डालना है ये धनिया पाउडर, मतलब धनिया पत्ता, ओके। उसके बाद हमें डालना है ये मिर्च का पेस्ट, मिर्च का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा गाइस, तो हमें थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि हमें इसमें ऑलरेडी तीखा मसाला भी डालना है। और फिर हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर, ओके। फिर उसके बाद हमें डालना है धनिया पाउडर, उसके बाद हमें डालना है ये सफ़ेद तिल, देन हमें डालना है ये अजवाइन, अजवाइन जो है वो थोड़ा सा क्रश करके डालना है आपको ऐसे, ताकि वो थोड़ा क्रश हो जाए और खाने में बहुत अच्छा फील हो जाए। उसके बाद हमें डालना है इसमें ये गरम मसाला, देन हमें डालना है इसमें ये लाल तीखा मसाला, और देन हमें इसमें डालना है ये ऑयल, और फिर हमें इसको अच्छे से गूंद के लेना है। अब हमें क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है, जो भी हमारा ये मसाले डाले हमने, धनिया डाला है वगैरह, तेल, सब हमें मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छे से आटा लगाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है गाइस, याद रखिए। देखिए गाइस, आटा हमारा गूंद के हो चुका है, अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही रख देंगे। अभी आपको क्या करना है गाइस, एक थाली पे है ना ऐसे, एक थाली पे आप कपड़ा बांध के ले लीजिए ऐसे, ओके। और हमें क्या करना है, ये जो आटा है ना, इसमें से थोड़ा आटा निकालना है अभी, ओके। और फिर हमें इसमें ऐसे पानी के पहले छींटे मारने हैं कपड़े को, ओके, अच्छे तरह से गीला करके लेना है। और फिर ये जो गोला है, ये जो आटा है, इसको हम उसको ऐसे 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 फैलाना है, ठीक है, ऐसे इसको आकार दे सकते हैं, ओके। ऐसे पानी की सहायता से आपको ऐसे करना है और इसको बड़ा बड़ा करते जाना है, आप शेप कैसे भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। थोड़ा सा थाली फिट बड़ा भी होगा तभी भी चलेगा, छोटा रहेगा तभी भी चलेगा, हमारे कंफर्ट के अनुसार हमें आपको ऐसे ऐसे से दबाना है और इसको ऐसे फैलाना है, ताकि ये थोड़ा सा पतला भी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। हम इसको बेल भी नहीं सकते,
बेलने का जितना नहीं है ये, ऐसे ऐसे आपको इसको फैलाना है अच्छे से। ओके, तो जितना पतला हो जाएगा उतना आपको अच्छा इसका टेस्ट लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला अच्छा लगता है। ऐसे आपको इसको फैलाना है अच्छी तरह से, पानी आपको लगा के जाना है, और फिर आपको इसको बीच में से गोल गोल कर सकते हैं अच्छे से। हमें इसको देखिए ऐसे थाली पीठ बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस पे मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है, अब गर्म होने का हम लोग वेट करते हैं। देखिए ये ऐसे डाला जाता है, और फिर हम क्या करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा इसे फैलाएंगे। देखिए एक जगह हो गया ना, देखिए थाली पीठ हमने डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से सेकेंगे एक साइड से। अभी कैसा, ये तो डाइट का है गाइस, तो मैं इसमें घी नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। अभी हम इसको पलटेंगे, थोड़ा सा हमें तेल डालना है इस पर, तो हम इसको अच्छे पलटेंगे। पलट दिया, अब इसको भी अच्छे से हम लोगों को सेकना है इस साइड से भी। गाइस ये जितना दिखने में स्वादिष्ट दिख रहा है ना, उतना ही ये खाने में भी स्वादिष्ट है। आप इसको लंच में या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, हेल्दी आपका डाइट हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें ज्वार का आटा है, बेसन है, धनिया है, अजवाइन है, और हमने बहुत कुछ कुछ डाला है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है गाइस, आई लव इट। चलिए हमारा इसको अच्छे से सेक के हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं। गाइस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं आपको क्या बोलूं अभी। मस्त हमारा थाली पीठ स्वादिष्ट रेडी हो चुका है, दूसरा थाली पीठ भी हमने डाल दिया है। तो गाइस थाली पीठ हमारा रेडी है, तो चलिए हम लोग गैस बंद कर लेते हैं। गाइस थाली पीठ हमारा रेडी है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस। ये सॉस और मायोनीज के साथ में भी आप खा सकते हैं, और अगर आप चाय के साथ में खाते तभी भी चलेगा। बहुत डिलीशियस रेसिपी गाइस, बहुत हेल्दी है। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।